बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने सीरीज़ शुरू किया था ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये इंशाल्लाह ताला ये 600 प्लस एमसीक्यूज़ होंगे। और दोस्तों याद रखिए कि आजकल कंप्यूटर ऑपरेटर के जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, स्पेशली बाई ईटा, तो उसमें डेटाबेस, नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़ शामिल होते हैं। वो ज़माना चला गया जब बेसिक कंप्यूटर हुआ करते थे। अब चूँकि जैसे भी वक्त गुज़रता है हर चीज़ एडवांस होती जा रही है, तो इसीलिए जितने भी पेपर्स हो रहे हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग, HTML वगैरह वगैरह के क्वेश्चन शामिल होते हैं। इस सिलसिले का आज पार्ट नंबर 2 है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेटिंग सिस्टम, अ प्रोग्राम इज एन एंटिटी। प्रोग्राम बजाते खुद पैसिव एंटिटी होता है दोस्तों, याद रखिए। और जब यही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लोड हो जाता है तो फिर वो एक्टिव बन जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी है। प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी, इज अ पैसिव एंटिटी। एन नहीं होना चाहिए, आ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। फोर्क जो है ना, दिस इज अ सिस्टम कॉल विच क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। And similarly question number 23 देखें, which system call is used in Unix to terminate the execution? Execution को terminate करने के लिए जो call दी जाती है system call, that is exit call। option D correct है। And question number 24 देखें, 24 number, input output function, it allows to exchange data directly between input output module and processor। option C is the correct option। Question number 25 देखें, cache memory is intended to provide memory access to what? This is fastest। आपने देखा होगा cache memory is the fastest memory। option A the correct option। Question number 26 देखें, 26 number, the primary element used for data storage is said to be secondary storage। the primary element used to data storage is said to be secondary storage। option C is the correct option। Question number 27 देखें, interrupts are provided preliminary as a way to what? to improve processor utilization। option A correct option है। एंड क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 इंडेक्स सिंक करना। इंडेक्स रजिस्टर इन्वॉल्व्स एडिंग एन इंडेक्स। इंडेक्स किस चीज़ को तरतीब देना, इंडेक्सिंग करना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर, प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेसेस ऑफ व्हाट? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टू बी फिच्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मेमोरी मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ लोकेशंस। मेमोरी में सेट ऑफ लोकेशंस होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। 31 नंबर देखिए, 31, प्रोसेसर इज ऑफन रिफर्ड टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU को हम अक्सर, जब हम भी प्रोसेसर की बात करते हैं, प्रोसेसर इसका मतलब CPU होता है। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट ड्रिवन इज मोर एफिशिएंट देन प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेगमेंट पॉइंटर्स डिवाइडेड मेमोरी इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट पॉइंटर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ऑप्शन सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन को, द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम इज रिफर्ड टू एज व्हाट? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। Option C is the correct option. And question number 35 take it. The replacement algorithm chooses the constraints of what mapping function. Option C is the correct option. और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं. Data moved between computer components through computer components mean RAM to processor, hard disk वगैरह वगैरह. This is called what? Input output modules कहते हैं उसको. Data moved between computer components through input output module. Option B is the correct option. Or question number 37 देखिए. Condition codes are bits typically set by the what? Processor hardware. Condition codes are bits typically set by the processor hardware. Option C correct है. क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं. Instruction register contains the instructions most recently fetched. Fetch उठा कर लाना. Option B. Recently deleted, updated, executed. Option C is the B is the correct option. Instruction register contains the instructions most recently fetched. और क्वेश्चन नंबर 39 देखिए. 39 नंबर क्वेश्चन. The unit of data exchange between cache and main memory is known as what? Block size कहते हैं उसको. The unit of data exchange between cache and main memory is known block size. और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 40. User visible registers enable the machine or program to minimize main memory usage. Option D is the correct option. तो ये था दोस्तों पार्ट नंबर 2 और टोटल क्वेश्चन हो गए 20 और भी इस तरह हम हर वीडियो में 20-20 MCQs हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला. ये 600 MCQs का ये सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद डेटाबेस या HTML या C++ को जो भी हो उसी को शुरू करेंगे. आप दोस्तों ने सिर्फ मेरे साथ देना है. वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजिमी किया करें दोस्तों. अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स लाजिमी किया करें. थैंक यू फॉर वाचिंग.